पत्ता गोभी की सूखी सब्जी तो आपने हजारों बार बनाई खाई होगी। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और आलू से बहुत ही टेस्टी मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी, जिसे बनाना बहुत आसान है। किचन के सिंपल से सामान में बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसे बनाने के बाद आपको दाल की ज़रूरत नहीं है, आप रोटी और चावल में इसे ऐसे ही बना के खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा पसंद आती है सभी को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पत्ता गोभी को ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के ले लिया है और 5 से 6 आलू को भी बड़े टुकड़ों में काट के ले लिया है, क्योंकि हम इसे कुकर में पकाएंगे। तो सारी पत्ता गोभी और आलू को हम कुकर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बस सब्ज़ी के बराबर ही रखना है। हल्दी ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। हल्दी नमक से जो हमारे पत्ता गोभी है वो फीके नहीं लगते हैं, इनमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है और कलर भी अच्छा हो जाता है। तो मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को बढ़िया से। और मिक्स करके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे। अब तो 3 सीटी आने तक हमने पका लिया है और पत्ता गोभी बहुत अच्छे से पक गई है, आलू भी पक गए हैं, कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है इनका, बिल्कुल भी फीके नहीं लग रहे हैं ये देखने में। तो अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी और एक बड़ी इलायची को दरदरा कूट के लेंगे। हींग ऐड कर देंगे एक चुटकी और सारी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। इन्हें भूनने के बाद हम इसमें कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे, कटा हुआ लहसुन हमने लिया है इसे भी ऐड कर देंगे और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काट के लेने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने चॉपर में ऐसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज को भी। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से ये भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर हमने लिया है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच भर के हम लेंगे धनिया पाउडर और कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। अब इन सारे मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज वगैरह के साथ और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में हमें इसे पकाना है। तो सारी चीज़ें भून गई हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इन्हें बारीक काट के भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक बिल्कुल हिसाब से लेना है, क्योंकि पत्ता गोभी और आलू को बॉईल करते टाइम भी हमने उसमें नमक ऐड किया था। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं बढ़िया से। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसालों से जो है ऑयल रिलीज़ हो जाए और मसाले बढ़िया से भुन के तैयार हो जाएं। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, ऊपर ऑयल भी आ गया है मसालों के ऊपर। तो एक बार इसे हम और मिक्स कर देंगे, ताकि नीचे से कुछ भी जले नहीं। और मसालों को मिक्स करने के बाद हमने जो पत्ता गोभी और आलू को उबाल के लिया था उसे हम ऐड कर देंगे, और उसके साथ जो पानी हमने डाला था उसे भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हल्की ग्रेवी चाहिए हमें सब्ज़ी में। गरम मसाला ऐड कर देंगे ऊपर से और हरे धनिए की पत्ती ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ी आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बस आप मेरे तरीके से इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आप सब्ज़ी में ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप पानी और ऐड कर दीजिए, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी रखनी है बिल्कुल लिपटी हुई। तो सब्जियों के साथ हमने जो पानी लिया था उबालते वक्त हमने उतना ही ऐड किया है। अब इसे भी हम ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि पत्ता गोभी जो है वो थोड़ी सी फीकी होती है, मसालों का अच्छा फ्लेवर आए, इसलिए हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। और सब्ज़ी यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा धनिया का पत्ता हमने ऊपर से डाल दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे, और सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। 15 से 20 मिनट में ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसके साथ किसी भी तरह से दाल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बना के रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो प्लेटिंग कर लेंगे हम इसकी। तो नॉर्मल सूखी सब्ज़ी तो हम कई बार बनाते खाते रहते हैं, पत्ता गोभी आलू की, पत्ता गोभी मटर की। एक बार आप मेरे तरीके से ये मसाले वाली सब्ज़ी बना के देखिए, ये आपकी फेवरेट हो जाएगी, घर में सभी को पसंद आएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।